नहीं, मुझे अम्मी और सिला की बहुत याद आ रही थी। जन्नत जी, अम्मी और सिला से बात करो। हुमायूं भाई का फोन। हेलो हेलो सिला, मैं जन्नत जन्नत बात कर रही हूँ। जन्नत जन्नत, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ सिला, मैं बहुत खुश हूँ। हुमायूं बहुत अच्छे हैं। हम तो यहाँ रोजाना हैदराबाद की सैर करने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं। तुम खुश हो? हाँ सिला, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे रोने भी नहीं देते। लेकिन लेकिन तुम्हारी आवाज तो रोने जैसी लग रही है। नहीं नहीं, मैं रो तो नहीं रही। इतने दिन बाद जो तुमसे बात कर रही हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। अम्मी कैसी है? हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हें याद करती रहती हैं। मैं तुम्हारी अम्मी से बात कराती हूँ। नहीं, नहीं, फोन की बैटरी डेड है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो जन्नत, हेलो हेलो जन्नत, मैं अम्मी जान से झूठ नहीं बोल सकती हूँ और सच उन्हें बता नहीं सकती हूँ कि मैं यहाँ हुमायूं के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले हुमायूं ने जहेज के बारे में मुझे धमकी दी, फिर जन्नत ने तुमको फोन किया। जी अम्मी, अम्मी जन्नत कह रही थी कि वो बहुत खुश है और उसने मुझे बताया कि हुमायूं भाई उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि जन्नत ने तुमसे झूठ बोला है। नहीं अम्मी, जन्नत ने मुझसे बात की और मुझे तसल्ली है कि वो खुश है। लेकिन कुछ गड़बड़ तो जरूर है, उसने मुझसे बात तक नहीं की। अरे नहीं नहीं अम्मी, आपको तो मालूम है ना उसकी तबीयत का, छोटी छोटी बातों पे जज्बाती होकर रोने लगती है वो। और अम्मी, हम उससे इतना दूर हैं और इतने दिन के बाद हमारी उससे बात हुई है, शायद इसीलिए उसकी आंख भर आई है। सिला, मैं माँ हूँ और माँ बच्चे की तकलीफ सात समंदर पार महसूस कर लेती है। उसको पता चल जाता है कि उसका बच्चा किस तकलीफ में और किस वजह से रो रहा है। हाँ अम्मी। अच्छा अम्मी, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। ला करें ऐसे ही। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि मैं अपने ही घर में बैठा हुआ हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? इतना सुकून, इतना सन्नाटा। जन्नत के जाने के बाद से हमारे घर का नक्शा ही बदल गया है। थोड़े दिन की बात है, फिर देखना क्या होने वाला है। क्या होगा, वो फिर से दादी का हर टाइम खबरनामा स्टार्ट हो जाएगा। और क्या, इस बार सिला की तो खैर नहीं, बहुत दिमाग खराब हो गया उसका। कल मुझे भी आंखें दिखा रही थी वो। ये चमार लगाती उसको जोर से, होश ठिकाने आ जाते उसके। अम्मी ने उसको बहुत सर चढ़ा दिया है। मुझे अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने दादी अम्मा को उसके खिलाफ ऐसा भड़काया है ना कि मार मार के गंजा कर देंगे उसे। अच्छा है, उसके सारे भरम खत्म हो जाएंगे। इसे टीचर बनी फिरती है, हमें डांटती रहती है। क्या पूरे सारा मॉल बना रखा है कमरे का?
बाहर चल के देखो, इतना अच्छा मौसम। जब मेरे अंदर का मौसम ही नहीं बदलता तो मुझे बाहर के मौसम से क्या गर्ज? क्या मतलब, क्या कहने का चाह रही हो? कल रात को बात नहीं हुई तुम्हारी अम्मी से? अम्मी से नहीं, सिर्फ सिला से। ये अच्छा है तुम्हारा, 24 घंटे अम्मी का रोना रोती रहती हो, तो फिर ये सिला से बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बेवकूफ समझावा मुझे तुमने अपने घर वालों की तरह। क्या बात करती है अम्मी से? कि आपने तो मुझे दुल्हन बनाकर दुआओं के साथ रुखसत किया था, लेकिन यहां तो क्या? यहां तो बात पूरी करो, बोलो। मुझे तो अभी तक ये भी मालूम नहीं कि मेरी इस घर में हैसियत क्या है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, अम्मी से पैसों की बात की तुमने? आपको आपके पैसों की फिक्र है और अम्मी को अपनी बेटी की। मैं अम्मी के सवालों के जवाब में मजीद झूठ नहीं बोल सकती। अपनी बकवास बंद करो, समझी? इस किस्म की बातें करके मुझे जज्बाती नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ ये पट्टी तुम्हें सिला नहीं पढ़ाई होगी, उसको अच्छे तरीके से बता देना और अपने दिमाग में भी डाल लो ये बात कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें, समझी? जान से। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। अम्मी ने तो मुझे दुआ के साथ रुखसत किया था, शादी के बाद तो जन्नत का घर मेरी जन्नत होगा, हमायूं मेरी हर खुशी का ख्याल रखेगा, लेकिन वो तो अपनी खुशी के लिए मुझे ताने देते हैं। मुझे तकलीफ देकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन मैं अब इस जालिम और लालची इंसान के साथ नहीं रहूंगी। अगर उसने मुझे जान से मार दिया तो अम्मी और सिला का क्या होगा? हमायूं के घर आने से पहले मैं यहां से भाग जाती हूं, वरना ये मुझे जान से मार देगा। अम्मा, वो हमायूं का नंबर लेकर दे दिया आपने रुबीना को? हाँ, मैंने खुद लाकर दिया है नवाब दादे को। अरे लेकिन आपने खाला को समझा तो दिया है ना कि हमायूं ने क्या बात करनी है रुबीना से? नसरीन ने खुद फोन किया था हमायूं को और समझाया था, लेकिन उस कमबख्त की सुई वही 10 लाख पे अड़ी हुई है। क्या? अरे अम्मा वो पागल हो गया है। अरे 10 लाख रुपए उसे हम कहां से देंगे? तौबा है तौबा है, अरे उसके मांगने से हम पैसे दे देंगे क्या? तो फिर क्या करेंगे? सबर सबर, वो मांग मांग के थक जाएगा और चुप करके बैठ जाएगा। और अगर उसने कोई तमाशा लगाया तो? तेरी माँ ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो? जन्नत को घर से निकाल सकता है वो? तो निकाल दे, रोका किसने है उसको? लेकिन अम्मा मैं रुबीना और सिला को क्या जवाब दूंगा? कौन सा जवाब, कैसा जवाब? क्या हो गया है तुझे है? अरे सिला तो खुद चाह रही थी कि जन्नत को घर ले आए। अरे मेरे बच्चे मेरे लाल, तू क्यों मनुष्यों के लिए अपना खून जला रहा है? क्यों परेशान हो रहा है इतना? दफा मार। दरवाजा क्यों बंद है? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज, खुदा के लिए कोई दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा खोल दो। Yeah.
के घर नहीं पिंजरा है, हुमायूं ने मुझे यहाँ पे कैद कर रखा है। सिला, मुझे यहाँ से आकर निकालो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। पागल हो जाऊंगी। छूटे अम्मी, आप इस तरह परेशान हो रही हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब कुछ भी हो जाए मुझे, मुझे सिर्फ अपनी जन्नत की फिक्र है। वैसे तो आप मुझे समझाती रहती हैं कि हर मुश्किल वक्त में सब्र तहमुल से काम लेना चाहिए, और अब आप खुद। जब तक जन्नत से बात नहीं हुई थी तो एक उम्मीद थी, लेकिन जब से उसने मुझसे बात नहीं की है मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अम्मी, यही कंडीशन मेरी भी है, लेकिन हमें खुद पे कंट्रोल करना है ना, फिर जन्नत को वापस भी तो लाना है घर। एक ही दिन की तो बात है, फिर इतवार को तो हम उसे ले ही आएंगे। पता नहीं वो जालिम उसको हमारे साथ आने भी देगा कि नहीं। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आपका सेहतमंद होना जरूरी है। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी खाने दिल नहीं चाह रहा। अम्मी, आपने दवाई खानी है, और आप खाली पेट दवाई नहीं खा सकती, आपने खुद ही तो बताया था ना। मुझे जमान को बताना होगा, अगर हमने हुमायूं को 10 लाख रुपए नहीं दिए ना तो वो जन्नत को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं नहीं अम्मी, ये बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। अब सारी बातें हैदराबाद जाकर ही होंगी, वरना आपको पता है फिर दादी अम्मा और अबू जमान कोई ना कोई बहाना बना देंगे हैदराबाद ना ले जाने का। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ जल्दी से। सिला, मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना दो। खुद बना लो। क्यों, तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगी है क्या? मेहंदी तो तुम्हारे हाथों पे भी नहीं लगी, और वैसे भी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कल रात से वो बेचारी सोई भी नहीं है। मेरी वजह से तो नहीं जागती रही ना? अब पता नहीं उनकी तबीयत सच में खराब है या वो हैदराबाद घूमने के बहाने बना रही है। महक, ठीक है मैं और जन्नत तुम्हारी सौतेली बहन है, मगर अम्मी तो तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? लेकिन अम्मी की तो तुम दोनों ही सगे और लाडली बेटियाँ, मेरे और सायम के साथ तो वो हमेशा सौतेलों वाला सलूक ही करती आई हैं। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी जहनियत पे। खैर, अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत दे। सिला, सच बहुत कड़वा होता है, इसका सामना करने से तो अच्छे अच्छे घबराते। अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक, मैं कोई भी फजूल बात का जवाब देना नहीं चाहती। उनके साथ भी आप लोग अच्छा रवैया रखो या अच्छी बात करो। अच्छा, लेकिन ये लोग को वो नहीं करते, खाने नहीं करते। आप लोग हैदराबाद के लिए कब निकल रहे हैं? तौबा है तौबा, जब जाएंगे तब रुबीना को बता देंगे, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात सुन, हमारे जाने के बाद सायम और महक के साथ झगड़ा करने मत बैठ जाना। लेकिन दादी, मैं भी जाऊंगी। तुम वहाँ क्या करने जाओगी? अबू जन्नत को वापस लेने। अरे तौबा है तौबा, अब जन्नत अपने घर की हो गई है, शादी हो गई है उसकी, अब वो पहले वाली जन्नत नहीं है, नफसियाती मरीज, कि तू जाके उसकी उंगली पकड़ के घर ले आए। लेकिन दादी। ठीक है इस पर बेकार की बहस का कोई फायदा नहीं, तुम भी साथ चलना हमारे। शुक्रिया अबू। और हाँ, सुबह हम जल्दी निकलेंगे, रुबीना को बता देना। ठीक है। क्या हो गया है तुझे? हाँ? अरे अम्मा समझा करो। हाँ समझा करो अम्मा, समझा करो, बस यही है ना। अम्मी, हम कल सुबह सवेरे हैदराबाद जा रहे हैं। अब तो खुश हो ना? हाँ अम्मी, हम कल जन्नत को भी लेकर आएंगे। सिना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि वहाँ जाने के बाद ही फैसला हो सकता है कि जन्नत हमारे साथ वापस आना चाहती है कि नहीं। लेकिन वो क्यों नहीं आएगी?
क्योंकि वो आप हुमायूं के निकाह में है। तो अम्मी ये तो आपको भी पता ही, निकाह धोखे और फ्रॉड से हुआ है। बहरहाल हुआ तो है ना, तो इसमें जन्नत का क्या कसूर है? किसी का भी कसूर नहीं है, कसूर तो हमारे नसीब का है। तो नहीं हम कब तक जुल्म और ज्यादतियों को अपना नसीब बनाकर बैठे रहेंगे? लेकिन आपने तो कहा था कि हम जन्नत को वापस लाएंगे। चलो तैयारी करो तुम जाने की। मुझे क्यों छोड़ने चले गए? आपके जाने के बाद आपने दूसरी शादी, मैंने अपनी सारी जिंदगी यतीम खाने में गुजारी, अकेले, मेरे पास कोई नहीं था, कोई नहीं था मेरे पास, इस अकेले पन ने मुझे जुनूनी बना दिया, नफसियाती बना दिया। नहीं पापा, नहीं, नहीं। जन्नत, मुझे यकीन है मेरे पागलपन की वजह से वो भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे अपना गुस्सा काबू नहीं होता, मुझे माफ कर दो।